हेलो एवरीवन, दिस इज न्यूट्रिशनिस्ट एंड फिटनेस एक्सपर्ट रेखा मात्रे एंड यू आर वाचिंग गेन ग्लो। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी फेस मसाज और फेस एक्सरसाइजेस। हमारी एज का स्पेशली पता तभी चलता है जब हमारे फेस पे रिंकल्स, झुर्रियां, हमारी स्किन लूज हो जाती है, हमारी स्किन पे कोई ग्लो ही नहीं रहता। उसी टाइम पे कोई भी बंदा पहचान सकता है कि आपकी एज कितनी है। लेकिन अगर आप रेगुलर अपने फेस की मसाज करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, तो ये सारे प्रॉब्लम्स तो आपको कभी आएंगे ही नहीं, और अगर आए भी हैं तो भी रिमूव हो जाएंगे अगर आप सिर्फ 24 घंटे में से 10 मिनट अपने फेस को देते हो, अपने फेस की मसाज करते हो, एक्सरसाइज करते हो। तो ये सारे प्रॉब्लम्स आपके बिल्कुल खत्म हो जाएंगे, और अगर ये सारे प्रॉब्लम आपको नहीं है तो फ्यूचर में ये प्रॉब्लम आपको आएगी ही नहीं, और कोई भी इंसान पता ही नहीं लगा पाएगा कि आपकी एज कितनी है। मुझे काफी सारे कमेंट्स आते हैं कि मैम आप कौन सी क्रीम यूज करते हो, आप अपने फेस पे क्या लगाते हो, आपकी स्किन इतनी ज्यादा ग्लो कैसे करती है, आपका रूटीन शेयर कीजिए। तो मैं आपको बता दूं कि मुझे खुद याद नहीं कि लास्ट में पार्लर कब गई थी, मैंने कब फेशियल कराया था। शायद शादी के बाद मैंने फेशियल कराया ही नहीं है। मेरा जो भी ग्लो है वो है मेरे न्यूट्रिशन की वजह से और मेरी एक्सरसाइजेस की वजह से। मसाज रात को जो भी मैं रूटीन है मेरा, मसाज फेस मसाज का या मेरे फेस एक्सरसाइजेस का, ये सब उसी की वजह है। अदरवाइज ऐसी कोई स्पेशल क्रीम मैं नहीं लगाती, कोई ऐसे स्पेशल ट्रीटमेंट मैं नहीं लेती, कोई फेशियल मैं नहीं कराती जिससे इतना ग्लो मेरे फेस पे रहता है। तो विदाउट टाइम वेस्ट किए आज की वीडियो हम शुरू करते हैं। फेस मसाज के लिए या बॉडी मसाज भी आपको करनी है तो स्पेशली आप कोकोनट ऑयल का ही यूज कीजिए। मैं यहाँ पे कोकोनट ऑयल ये वाला ले रही हूँ। आप कोई भी कोकोनट ऑयल यूज कर सकते हैं। मैं कभी ये यूज कर लेती हूँ, कभी मैं पतंजलि का एक्स्ट्रा वर्जिन कोकोनट ऑयल यूज कर लेती हूँ, कभी मैं घर पर भी कोकोनट ऑयल बना के उसका भी मैं यूज कर लेती हूँ। तो कोकोनट ऑयल कोई भी आप यूज कर सकते हैं। जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं वो जानते ही हैं कि मैं कोकोनट ऑयल और घी की कितनी बड़ी फैन हूं। तो सबसे पहले आपको कोकोनट ऑयल ले लेना है हाथों में, इस तरह से थोड़ा ज्यादा लीजिएगा ताकि आपको ऐसे रफनेस नहीं आनी चाहिए आपके फेस पे। आपके जो हाथ है वो बहुत ही आसानी से मूव करने चाहिए आपके फेस पे, इसलिए थोड़ा ज्यादा कोकोनट ऑयल आप लेंगे तो बहुत अच्छी बात है। इस तरह से हाथों पे अप्लाई कर लीजिए कोकोनट ऑयल को। सबसे पहले हम शुरू करेंगे हमारे नेक से। यहाँ पे दो वेन्स होती हैं जो हमारे हार्ट की तरफ पंप करती हैं, हमारे हार्ट की तरफ ब्लड को लेकर जाती हैं। तो इस तरह से हाथों को क्रॉस कर लेना है आपको, और इन दो फिंगर से आप यहाँ पे जो वेन्स होती हैं आप थोड़ा सा देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। इस तरह से नीचे की तरफ अपनी वेन्स को इस तरह से मसाज करनी है, नीचे की तरफ अपने जो ब्लड को है आपको नीचे की तरफ हार्ट की तरफ आपको पुश करना है, उसे हार्ट की तरफ आपको पंप करना है इस तरह से। इसके आप अराउंड 10 रेपिटेशंस लगा लीजिएगा। बिगिनिंग में आप काउंट कर लीजिए, फिर आपको आदत हो जाएगी तो आपको काउंट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। आई थिंक 10 हो गए होंगे। उसके बाद हम मूव करेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए, वो है आपको यहाँ पे रखना है अपने हाथ। यहां पे रखने हैं, खींचना है और कान के पीछे इसे लेकर जाना है। आप मुझे कमेंट भी करते हैं कि आप ये जॉ लाइन कैसे आई आपकी, तो आज देख लीजिए आप ये जॉ लाइन आने का फंडा क्या है, ये कैसे आती है। तो ये ऐसे आती है, आपको इस तरह से हाथ रखने हैं यहां पे, खींच के पीछे की तरफ लेकर जाना है। ओके, अभी मूव करते हैं हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ। अब स्पेशली आपने देखा होगा कि काफी लोगों की स्किन जो है यहां से नीचे की तरफ आ जाती है, ओके?
तो ये नीचे की तरफ ना आए, और ध्यान दीजिए आपके हाथों में ऑयल अच्छा होना चाहिए, ऑयल आप रफ नहीं करेंगे, अपने हाथों को स्मूथली मूव करना है, तो ऑयल आपको ठीक ढंग से ही लेना है। अब इस तरह से टेन टेन टाइम्स करेंगे दोनों तरफ, अच्छी से देख लीजिए। ओके, अब नेक्स्ट एक्सरसाइज हम करेंगे इस तरह से, हम अपनी उंगलियों को इस तरह से बना लेंगे और यहां पे रखेंगे, ये जो हमारे चीक्स हैं इनके नीचे लिप्स के यहां पे खींच के ऊपर की तरफ जाना है। ओके, टेन टेन टाइम्स आप बिगिनिंग में काउंट कर लेना। अब आएंगे हमारे आंखों पे, आंखें हमारी बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव होती हैं, तो ध्यान दीजिए आंखों पे को बहुत ज्यादा दबाना नहीं है, बहुत ज्यादा प्रेशर नहीं डालना है आंखों पे कि आंख दब रही है और हम उसको घस रहे जोर जोर से, ये बिल्कुल भी नहीं करना है आपको। ये दो फिंगर टिप्स का आपको यूज करना है, यहां से दोनों का यूज करना है, यहां पे रखना है और आंखों को बंद रखना है जब ये आप परफॉर्म करेंगे इस तरह से, 5 times क्लॉकवाइज, 5 times एंटी क्लॉकवाइज। आराम से करेंगे, ऑयल का पूरा आपको ध्यान रखना है, आपके हाथों में ऑयल होना ही चाहिए अच्छा, ताकि आपके हाथ बहुत ही स्मूथली मूव कर सके। 5 times और 5 times, बहुत ज्यादा आंखों के नजदीक आपको नहीं जाना है, आप चाहें तो एक उंगली से भी ये कर सकते हैं, अगर आपको लग रहा है कि 2 उंगलियों से आप कर रहे हैं तो आपकी आंखों को थोड़ा सा ज्यादा प्रेशर आ रहा है आंखों पे, तो आप एक उंगली से भी इसे कर सकते हैं। ओके, अब मैं आपको एक एक्सरसाइज बताती हूँ यहाँ पे, जिनको भी एलर्जी होती है, लाइक बहुत ज्यादा एलर्जी का इशू है, फूलों से एलर्जी है, परफ्यूम से एलर्जी है, तो जस्ट यहाँ पे ये फिंगर आपको यूज करनी है, यहां पे रखनी है और इस तरह से आपको मसाज करनी है। बस यू, और ये आप क्लॉकवाइज ही करेंगे, इसको एंटी क्लॉकवाइज मत कीजिएगा, इस तरह से। थोड़े दिन में आप नोटिस करेंगे आपको जो एलर्जी फूलों से या किसी भी चीज से है वो बिल्कुल निकल जाएगी। अब हमारी अगली मसाज मैं आपको बताती हूँ जो हमारी फॉरहेड के लिए है, इस तरह से पूरे अपने पूरे चारों उंगलियों को फॉरहेड पे इस तरह से रख लेना है आपको और यहां से लाके यहां रुक जाना है, यहां से लेके यहां रुक जाना है, बस आंखों को बंद रखेंगे तो बहुत ही आप रिलैक्स फील करेंगे। आंखों को बंद रखिए और इसको एंजॉय कीजिए, लाइक रिलैक्स। आपको सर दर्द है तो भी आप ये कर सकते हैं, आपको बहुत अच्छा लगेगा, आपका सर दर्द भी चला जाएगा इससे। 5 times इस साइड कर लेना, राइट साइड 5 times, लेफ्ट साइड कर लेना। ओके, अब लास्ट फिनिशिंग एक्सरसाइज है हमारी, जिसके लिए हम थोड़ा सा और ऑयल ले लेंगे ताकि हमारे हाथ बहुत ही अच्छी से मूव कर पाए। यहां पे मैं थोड़ा ऑयल ले लेती हूं, अच्छी से अप्लाई कीजिए ऑयल को पूरे हाथ में, यहां पर यहां से शुरू करना है आपको। अब आंखों को बंद कर लेंगे पूरा इस तरह से, जब आप नीचे की तरफ आएंगे आपको हाथ को ढीला छोड़ देना है, ऊपर की तरफ जाएंगे हाथों को थोड़ा सा टाइट रखना है, नीचे की तरफ आएंगे हाथ को ढीला छोड़ देना है, इस तरह से ऊपर जाते वक्त हाथों को हल्का टाइट, नीचे आते वक्त लूज,
ऊपर जाते वक्त प्रेशर डालना है क्योंकि स्किन को हमें ऊपर की तरफ लिफ्ट करना है। ऑयल आपके हाथों में अच्छी से अप्लाई कीजिए ताकि स्मूथली आपके फेस पे आपका हाथ मूव कर सके। ये भी आपको 10 टाइम्स करने हैं। ओके, डन। अब बढ़ते हैं हमारे फेस एक्सरसाइजेस की तरफ। हमारी मसाज कंप्लीट हो गई। कितना टाइम लगा? 5 मिनट लगे। जस्ट 5 मिनट दे दो अपनी लाइफ को, अपने फेस को। कोई बता ही नहीं पाएगा आपकी एज कितनी है, आपकी एज कितनी भी हो जाए जाए। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी फेस एक्सरसाइजेस। तो सबसे पहले हम अपने माउथ से शुरू करेंगे, मुंह से शुरू करेंगे हम। इस तरह से आप देख लीजिए, करने हैं आपको हर एक एक्सरसाइज। आपको बिगनिंग में 10 टाइम करनी है, बाद में आप चाहें तो 15-20 रेपिटेशंस आप कर सकते हैं, बट इतने ज्यादा करने जरूरी नहीं है। अगर आप रोज करते हो तो, 10 टाइम्स रेपिटेशंस बहुत है। नेक्स्ट है हमारी करनी है, ये फिंगर लेंगे, दोनों आगे वाले फिंगर्स लेंगे हम और टैप करना है। अब हम यहां पे लिप्स के जो एजेस है, एंड जो है, वहां पे आपको टैप करना है। आप कोई भी एक्सरसाइज कर रहे हो, अपने फेस की मसाज कर रहे हो, हो सके तो अपनी आंखों को बंद रखिए तो बहुत अच्छा लगेगा आपको। अगर आप अपनी आंखों को बंद रख सकते हैं तो, अब मैं ज्यादा नहीं रख पा रही हूं क्योंकि मुझे वीडियो भी शूट करनी है इसलिए, लेकिन आंखों को अगर आप बंद रखते हैं तो आपको और भी ज्यादा अच्छा लगेगा। अब करेंगे हमारी चिक्स की एक्सरसाइजेस और हम पूरे मुंह में सांस भर लेंगे। एकदम गर्म हीट आपके मुंह से निकलेगी जब आप ये एक्सरसाइज करके, जब अपने मुंह से सांस बाहर निकालेंगे तो एक गर्म हीट जैसे आपको निकलेगी, अब वो बहुत ही अच्छा लगेगा ये एक्सरसाइज करके। अब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है हमारी आंखें, आंखों के लिए है। पहले तो हम अपनी आंखों को लेफ्ट राइट मूव करेंगे। ओके, फर्स्ट एक्सरसाइज ये वाली है। ओके, 5 टाइम इस तरफ 5 टाइम इस तरफ, 10 टाइम्स नहीं करना है, ये 5 टाइम बहुत है क्योंकि एक्सरसाइज थोड़ी ज्यादा है आंखों की। अब नीचे और ऊपर देखना है आपको, फेस को मूव नहीं करेंगे। आंखों को ही मूव करना है आपको। अब पूरा सर्कल 5 टाइम्स क्लॉकवाइज एंड 5 टाइम्स एंटी क्लॉकवाइज। ओके, डन। ये थी कुछ फेस मसाज एक्सरसाइजेस, टिप्स किस तरह से आपको मसाज करना है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। सी यू सून इन माय नेक्स्ट वीडियो।
Till then, take care of your health. Bye.